मंदाकिनी हजारा भारत की क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बुड्ढी के नाम से जाना जाता था। मंदाकिनी हजारा का जन्म पूर्वी बंगाल मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह गांव अलीनंद के 62 वर्षीय विदुर तिलोचना हजार से कर दिया गया। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ रहा। 6 वर्ष बाद निसंतान ही विधवा हो गई। पति की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र उससे बहुत घृणा करता था। अंत मंदाकिनी एक अलग झोपड़ी में रहकर मजदूरी से अजीवनय करने लगी। गांव वालों के दुख सुख सदा का सहापा के रहने के कारण पूरे गांव में के सम्मान पूज्यों को गई। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का ध्वज करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब ऐसा एक जुलूस मंदाकिनी के घर के पास निकला तो उसने बंगाली परंपरा के अनुसार संघ ध्वनि से उसका स्वागत किया। जुलूस के साथ चल दी तमालुका कृष्णागंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वह मंदाकिनी सबक के साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। मंदाकिनी की अफ्रीम की लत थी पर अब इसके बदले उनके सिर पर स्वाधीनता का नक्शा सवार हो गया। 17 जनवरी 1933 को करबांदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एडरसन तमलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरगाना मंदाकिनी हजारा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुँच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का असक्षम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में कैद कर लिया। 1935 में तमलू का क्षेत्र भीषण बढ़ के कारण हैजा और चेपट की चपेट में आ गया। मंदाकिनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य छूट गई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मंदाकिनी उसमें कूद पड़ी। 8 सितंबर को तमलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 19 सितंबर को भी बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया। इसके लिए मंदाकिनी ने गांव-गांव में घूमकर रैली के 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगल में पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूक की गरज उठी। मंदाकिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगा रही थी। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्हें तिरंगे झंडे को गिराने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और तीसरी उनके माथे पर लगी। मंदाकिनी की मृत देह बली लुढ़क गई। बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि उस दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर वहाँ संविधान सरकार स्थापित कर दी। इसने 21 महीने तक काम किया। दिसंबर 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रवास के समय तमलुक में मंदाकिनी हजारा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें सदा सुमन अर्पित किया। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की और कोलकाता में हजार रोड के लंबे विस्तार सहित कई स्कूल कॉलोनियां और सड़कों का नाम हजारा के नाम पर रखा गया। स्वतंत्र भारत की कोलकाता स्थापित महिला की पहली मूर्ति 1947 में हजारा की थी। तमालुका में जहां उसकी हत्या हुई थी उस स्थान पर अब तक मूर्ति खड़ी है। वर्ष 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन में 60 साल और तमलुक राष्ट्रीय सरकार के गठन की स्मृति में डाक टिकटों की एक शुक्ला के हिस्से रूप में जारी किया। भारतीय डाक विभाग में मंदाकिनी हजारा के चित्र के साथ 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। वर्ष 2015 में इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी शख्सियत के नाम पर तमालुक पूर्वी मेदिनीपुर में शहीद मंदाकिनी हजारा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की स्थापना की गई थी।